कभी कभी एक पल में जिंदगी भर का प्यार मिल जाता है, और कभी कभी जिंदगी भर ढूंढ लो एक पल का प्यार भी नहीं मिलता। अगर तुम साथ दो तो हम जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। कोई ना कोई फैसला तो लेना पड़ेगा। आने वाली फिल्म करने वाली है 3,000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, और इसी के साथ सुनील शेट्टी करेंगे बॉलीवुड में कमबैक। नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बॉलीग्राद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक ऐसी सुपर हिट रोमांटिक फिल्म के सीक्वल की जो 2008 में रिलीज हुई थी, और ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी दोस्तों, जिसका सीक्वल बनाने पर काम शुरू होने वाला है। हम बात कर रहे हैं फिल्म धड़कन की, जिसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी लीड रोल प्ले करते नजर आए थे। फिल्म में एक लव स्टोरी को बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया गया था, और फिल्म की कहानी भी लोगों को काफी पसंद आई थी। दोस्तों, धर्मेश दर्शन के डायरेक्शन में बनी इस सुपर हिट फिल्म में तीनों लीडिंग एक्टर्स अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी की एक्टिंग की काफी तारीफें की गई थी। और आपको बता दें कि इस फिल्म के दौरान अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी के लव अफेयर भी काफी सुर्खियों में रहे थे। जी हाँ, शायद फिल्म सुपरहिट होने की वजह ये भी मानी जाती है। वहीं फिल्म की कहानी के मुताबिक ये अंजलि नाम की एक लड़की की कहानी थी, जिसका कैरेक्टर शिल्पा शेट्टी ने प्ले किया था, जो देव नाम के लड़के से प्यार करती है, और जिसका कैरेक्टर सुनील शेट्टी ने प्ले किया था दोस्तों। लेकिन लड़की का बाप लड़की की शादी किसी और लड़के से करवा देता है, जिसका कैरेक्टर अक्षय कुमार ने प्ले किया था। देव को शादी के बाद भी ये लगता है कि शायद अंजलि अपने पति को छोड़कर वापस उसके पास आ जाएगी, लेकिन अंजलि को अपने पति से प्यार हो जाता है और वो दोनों खुशी से अपना जीवन गुजारने लगते हैं। दोस्तों, फिल्म में सुनील शेट्टी की एक्टिंग ने सबका दिल जीत लिया था, और फिल्म का म्यूजिक भी फिल्म की तरह सुपर हिट रहा। दोस्तों, फिल्म के गाने जैसे दूल्हे का सहरा, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, दिल ने ये कहा है दिल से ब्लॉकबस्टर हिट रहे, और साल 2000 में इस फिल्म ने कई अवार्ड जीते, और ये फिल्म 4th highest ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ द ईयर बन गई। और इस फिल्म के लिए सुनील शेट्टी को फिल्म फेयर बेस्ट विलन के अवार्ड से नवाजा गया था, और 9 करोड़ के बजट वाली इस फिल्म ने 27 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके सुपरहिट फिल्म का खिताब अपने नाम किया। दोस्तों, अब धड़कन फिल्म के सीक्वल को लेकर चर्चाएं गर्म हो गई है, यानी अब सुनील शेट्टी कम बैक करेंगे तो उनकी धड़कन का सीक्वल कैसे पीछे रह सकता है, जिसके लिए न सिर्फ उनकी तारीफ हुई बल्कि उनकी एक्टिंग की वजह से उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। वैसे भी दोस्तों, जब जब अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी जिन फिल्मों में एक साथ नजर आए हैं, वो फिल्में ब्लॉकबस्टर रही है, जैसे कि धड़कन, हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, दे दनादन इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। अब दोस्तों, कैसी होगी धड़कन 2 फिल्म की कहानी, और क्या सुनील शेट्टी ही इस फिल्म में विलन का रोल करेंगे, या फिर इस फिल्म में अजय देवगन विलन का रोल करते नजर आएंगे? दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राद स्टूडियोज़।